नमस्कार दोस्तों, अनीस इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसी कंपनी के न्यू मॉडल फराना F170 17 टन के सभी भागों के नाम के बारे में बताएंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यह इसका हुक ब्लॉक दिया हुआ है, यह नीचे में इसका यह लैच दिया हुआ है, यह इसका लिमिट स्विच का वेट दिया हुआ है, यह लिमिट स्विच दिया हुआ है, ये इसके वायर रोप दिए हुए हैं, यह इसका बूम हेड दिया हुआ है, यह इसका बेस बूम या मेन बूम दिया हुआ है, यह फर्स्ट एक्सटेंशन है, यह सेकेंड एक्सटेंशन है और यह मैकेनिकल बूम है। यह इसका एंगल सेंसर और बूम का यह इसका बूम लेंथ सेंसर और बूम एंगल सेंसर दिया हुआ है। यह इसका मास्टर सिलेंडर दिया हुआ है। यह इसका मास्टर सिलेंडर का कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है। यह इसका केबिन दिया हुआ है। यह इसका सेंटर पिन दिया हुआ है और यह देखिए इसका कटिंग सिलेंडर दिया हुआ है। यह 4x4 की शाफ्ट दी हुई है। यह इसका गियर बक्सा दिया हुआ है। यह इसका हाइड्रोलिक टैंक दिया हुआ है। यह बैटरी बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे इसका कटआउट लगा हुआ है। जब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे तो बैटरी का कनेक्शन कट जाएगा और जब हमें गाड़ी स्टार्ट करनी होगी तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे तो हमारे जो डैशबोर्ड है उसमें लाइट आ जाएगा। यह इसका इंजन का बोनट दिया हुआ है, इसमें आइसर का इंजन दिया हुआ है। यह इसका काउंटर वेट दिया हुआ है जो काम करते समय गाड़ी को पीछे की तरफ से उठने नहीं देता और लेवल बनाकर रखता है। पीछे की साइड में इसका रेडिएटर दिया हुआ है और नीचे में इसका हाइड्रोलिक पंप दिया हुआ है, ये भी इसके पीछे साइड में ही दिया हुआ है। यह इसका एयर क्लीनर दिया हुआ है, इसको हर सप्ताह में या हर दूसरे दिन जब यह गंदा हो जाए तो इसको साफ कर देना चाहिए। यह इसका डीजल टैंक दिया हुआ है। यह पीछे में इसका विंच ड्रम दिया हुआ है। विंच ड्रम में कम से कम 3 लाइन रोप हमेशा रखना चाहिए। यह देखिए यह बूम का कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है। यह देखिए इसमें हवा भरने के बारे में बताया है। इसमें टायर का जो आगे के पहिए का जो हवा है वह 100 PSI होना चाहिए और पीछे के टायर की भी हवा 100 PSI ही भरना चाहिए। यह आगे के साइड 2 सेंसर दिए हुए हैं और यह 2 आगे के साइड इसके जैक दिए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा।